Hello everyone, today I will explain the topic of polar form of a complex number. Polar form of a complex number, right? What is the meaning of polar form, right? Any complex number which is in the form of x plus iota y, we know that we can plot this complex number on Argand plane, right? For example, let this point be x comma y, right? So this point is represented by this complex number x plus iota y, right? So what happened if we don't have the position, or we want its distance from the origin and what angle it makes, this OP vector or OP line with x axis. So let this angle be theta, right, and this length be r. So if this complex number can be expressed in the form of r and theta, where r is called its modulus means the length of this line OP, or we can say the distance of this point from the origin, and theta is known as argument. If somehow we can express this complex number in terms of r and theta, then that form is called a polar form, right? So we will derive first of all that polar form. So we will apply the concept of trigonometry here. Because this point is pxy, so this distance will be x and this distance will be y, right? So if we apply this trigonometry here, then we can say that cos theta is always base upon hypotenuse. So base is this x and hypotenuse is this r. So x can be written as r cos theta, right? And similarly, sin theta is perpendicular by hypotenuse. So perpendicular is y here, and hypotenuse is r. So y can be written as r sin theta. Now put this value of x and y here. So x ki jagah put kar denge r cos theta, aur y ki jagah r sin theta, aur r common le lenge. So we have cos theta plus iota sin theta. So this form is called polar form. So basically, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर की इस फॉर्म को पोलर फॉर्म कहते हैं, जिसमें हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, विच इज कॉल्ड मॉडुलस, एंड थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, राइट? सो बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन डायरेक्टली, यू शुड नो सम बेसिक कंसेप्ट. फर्स्ट इज कि साइन थीटा की वैल्यूज क्या क्या होती हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में. फॉर एग्जाम्पल, अगर थीटा की वैल्यू 0 है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 और 90, ये तो हो गए डिग्रीज में. अगर आपको रेडियन में देखना है तो 0, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3 एंड पाई बाय 2. और यू नो कि ये कंसेप्ट कैसा आया, कि किसी भी एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट? पाई बाय 180 से. फॉर एग्जांपल, 90 डिग्री को हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 90 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई बाय 2. इन दिस वे वी कैन गेट दीज वैल्यूज, राइट? ये हमने ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में पढ़ा हुआ. तो यहाँ पे वैल्यू होती है आपकी 0, 1 बाय 2, 1 बाय रूट 2, रूट 3 बाय 2 और 1, और फिर इसी का रिवर्स ऑर्डर, 1, रूट 3 बाय 2, 1 बाय रूट 2, 1 बाय 2 एंड 0. टैन साइन और कॉस का डिवीजन होता है 0, 1 बाय रूट 3, 1, रूट 3 एंड नॉट डिफाइंड. सो बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन, यू मस्ट नो दीज वैल्यूज, कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू होती है. दूसरी चीज कि अगर कोई एंगल यहाँ आ रहा है, तो हम उसको डायरेक्ट टेबल से देख लेंगे. कोई एंगल यहाँ आ रहा है, तो उसको हम पाई में से माइनस कर देंगे. प्रिंसिपल वैल्यूज वी कैन से दैट यहाँ पे आ रहा है तो पाई प्लस थीटा, और यहाँ आ रहा है तो 2 पाई माइनस थीटा. एंड वी नो दैट इन दिस क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव. हेयर साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल कॉसेक इज पॉजिटिव. हेयर टैन थीटा इज पॉजिटिव एंड इट्स रेसिप्रोकल कॉट इज पॉजिटिव. और यहाँ पे कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा पॉजिटिव होता है. तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी हम आगे क्वेश्चंस कर पाएंगे इजिली, राइट? लेट अस स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस ऑन पोलर फॉर्म. क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा कि राइट द पोलर फॉर्म और फाइंड द पोलर फॉर्म और फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल लेते हैं हम, जेड इक्वल टू रूट 3 प्लस आयोटा, राइट? सो वी विल स्टार्ट विद दिस इन दिस वे कि हम इसकी पोलर फॉर्म लेट कर लेते हैं. लेट द पोलर फॉर्म ऑफ दिस विल बी आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट? तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो वी है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा. एंड वी नो दैट जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करते हैं, तो वे क्या होता है, रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करता है, इमेजिनरी को इमेजिनरी से. यानी ये रियल पार्ट रूट 3 आर कॉस थीटा के इक्वल होगा, राइट? और इमेजिनरी पार्ट आर साइन थीटा 1 के इक्वल होगा, क्योंकि आयोटा से आयोटा कट जाएगा, हमें सिर्फ कंपेयर करना है पार्ट्स को. इमेजिनरी पार्ट 1 के इक्वल हो जाएगा, राइट? सो अगर मैं इन दो इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दूं, व्हाट हैपन, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देता हूं. ये अप्रोच हर क्वेश्चन में फॉलो होगी,
अगर मैं इसको स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ तो वी हैव आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू फोर। आर स्क्वायर आपका फोर आ जाएगा और आर की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस टू, बट आर रिप्रेजेंट द लेंथ। अभी हमने पीछे पढ़ा था आर इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन और डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आर को हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, राइट। तो आर टू आ जाएगा। नाउ इफ यू पुट आर इक्वल टू टू हेयर तो कॉस थीटा हो जाएगा आपका टू कॉस थीटा इक्वल टू रूट थ्री, तो टू नीचे चला जाएगा तो रूट थ्री बाय टू। साइन थीटा हो जाएगा आपका यहाँ पे टू पुट करेंगे वन बाय टू। अब हम जब कह रहे हैं कि साइन भी पॉजिटिव है कॉस भी पॉजिटिव है और इनका रेशियो टेन थीटा भी पॉजिटिव आएगा, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव का होते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वार्टर में हम सीधा टेबल से वैल्यू देख लेंगे कि या तो साइन थीटा हाफ कब होता है ये चेक कर लो आप, ये कॉस थीटा रूट थ्री बाय टू कब होता है। तो वी कैन से दैट टेबल से जब जाएंगे तो साइन थीटा की वैल्यू हाफ होती है पाई बाय सिक्स पे यानी थर्टी डिग्री पे। तो वी हैव द वैल्यू ऑफ थीटा, वी हैव द वैल्यू ऑफ आर, तो इसकी पोलो फॉर्म डायरेक्टली आ जाएगी रूट थ्री प्लस आयोटा की पोलो फॉर्म आ जाएगी टू कॉस पाई बाय सिक्स प्लस आयोटा साइन पाई बाय सिक्स। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द पोलर फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। और एग्जाम्पल लेते हैं पोलर फॉर्म का जिसमें हम एक डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे लेटर्स से। सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं हम माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा, राइट। तो अगेन लेट करेंगे सेम अप्रोच जैसे पीछे क्वेश्चन में किया, इसकी पोलर फॉर्म लेट कर लेते हैं आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट। इसको ओपन करेंगे तो आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा इसकी पोलर फॉर्म हो गई। अब कंपेयर करेंगे तो वी हैव आर कॉस थीटा रियल पार्ट माइनस वन के इक्वल आएगा और आर साइन थीटा जो होगा वो माइनस रूट थ्री के इक्वल आएगा, राइट। लेट दिस बी क्वेश्चन वन एंड दिस बी टू। ऑन स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ द इक्वेशन वी हैव आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस वन स्क्वायर यानी वन और माइनस रूट थ्री स्क्वायर यानी थ्री, फिर से ही फोर आ गया। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर वन हो जाएगा, तो आर स्क्वायर अगर आपका फोर आ गया तो आर प्लस माइनस टू आएगा बट डिस्टेंस करंट भी नेगेटिव तो आर टू आ जाएगा, राइट। इफ यू पुट दिस वैल्यू है तो टू कॉस थीटा माइनस वन तो कॉस थीटा आ जाएगा आपका माइनस वन बाय टू और साइन थीटा आ जाएगा आपका माइनस रूट थ्री बाय टू। यहाँ पुट करेंगे तो अब वी ऑब्जर्व दैट साइन भी नेगेटिव है कॉस भी नेगेटिव है बट इनको डिवाइड करेंगे टेन थीटा पॉजिटिव आएगा। टेन थीटा पॉजिटिव यहाँ होता है यानी हमारा एंगल यहाँ लाई करेगा तो थीटा विल बी इक्वल टू पाई प्लस अल्फा। वी कैन से दैट मीन्स हमें देखना है अल्फा क्या है। अल्फा मतलब अगर ये वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती तो कब आती, यानी टेन साइन थीटा रूट थ्री बाय टू कब आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में या कॉस थीटा वन बाय टू कब आएगा। तो रूट थ्री बाय टू साइन की टेबल में आता है 60 डिग्री पे यानी पाई बाय थ्री में टेबल के लिए देखेंगे जाके, यानी पॉजिटिव वैल्यू देखेंगे नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे यानी एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो थीटा आ जाएगा आपका फोर पाई बाय थ्री, तो आपकी जो पोलर फॉर्म आएगी वो आ जाएगी टू कॉस फोर पाई बाय थ्री प्लस आयोटा साइन फोर पाई बाय थ्री, राइट। दिस विल बी दी पोलर फॉर्म। कई बुक्स में क्या होता है कि जनरली हम जो ले रहे हैं वैल्यू यहाँ अल्फा या पाई माइनस अल्फा या पाई प्लस अल्फा और या टू पाई माइनस अल्फा ले रहे हैं, ठीक। कई बुक्स में इसको ऐसे लिखा होता है अल्फा पाई माइनस अल्फा इसी का नेगेटिव और इसी का नेगेटिव, तो हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं और ये भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है ट्रिगोमेट्री में टू पाई का सेम वैल्यू रिपीट होती है। मीन्स अगर मैं इसको फोर पाई बाय थ्री ना लिख के इस वैल्यू इस कंसेप्ट को लगाता तो माइनस पाई माइनस पाई बाय थ्री क्योंकि अल्फा तो वही आएगा पाई बाय थ्री तो माइनस टू पाई बाय थ्री लिखता तब भी आंसर सेम माना जाएगा। तो टू कॉस माइनस टू पाई बाय थ्री प्लस आयोटा साइन माइनस टू पाई बाय थ्री बोथ आंसर सेम एंड बोथ आर एक्सेप्टेबल, सो यू कैन गो फॉर दिस वे और दिस वे, राइट। बोथ आर करेक्ट, ओके।